अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई प्रिज्यूम आप बिल्कुल ठीक है। और बुशरा हाजिर है चिकन के डिलीशियस कोफ्तों की रेसिपी के साथ। ये इतने फ्लेवरफुल, इतने स्पाइसी और इतने सॉफ्ट बनते हैं कि जो भी खाएगा उसे मज़ा आ जाएगा। यूजुअली लोगों की कंप्लेन होती है कि चिकन के कोफ्तों में एक हीक सी आती है या वो टेस्ट अच्छा डेवलप नहीं करते हैं, तो जिन जिन की कंप्लेंस है वो इस रेसिपी को बेफिक्र होकर ट्राई करें। इतना मज़ा आएगा, इतने स्पाइसी, इतने मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे और आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ मसाले: 1.5 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ 1 टीस्पून भर के सूख मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके साथ 1 फुल बड़े साइज़ की प्याज, इसको कश करके इसका पानी निचोड़ लेना है। 1 किलो है हमारे पास चिकन का कीमा और अब हम डाल रहे हैं 1 अंडा और बेसन, मैंने 4 खाने के चम्मच लिया है। आप देखिए आपको जितनी ज़रूरत हो। अगर आपके कीमे में पानी है तो आप 4 टेबलस्पून डालें और अगर आपके कीमे में पानी नहीं है, ड्राई है, तो आई गेस 2 टेबलस्पून में भी आपका अच्छा सा डो फॉर्म हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम सॉफ्ट सॉफ्ट से बॉल्स बना लेंगे और इन्हें तेज़ आंच पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मतलब फुली कुक नहीं करना। कोफ्ते फ्राई करके हमने साइड पे रखने हैं और एक अलग से पैन में 1/4 कप तली हुई प्याज, 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेके प्याज और लहसुन के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो पानी डालें। जब बहुत अच्छे से खुशबू आ जाए तो हमने डालना है उसमें दही और इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। दही मैंने लिया है 1/2 कप। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और ऑयल ऊपर आ गया है, तो हमने इसमें कोफ्ते और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर देना है। और अब हम अच्छे से मसाले में कोफ्ते डाल के थोड़ी देर दम पे रखेंगे ताकि कोफ्ते के अंदर मसाले अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए। और ऊपर से हमने छिड़क दिया गरम मसाला 1/2 टीस्पून और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वाले कोफ्ते रेडी हैं नान के साथ खाने के लिए। रेसिपी मेरी फ्रेंड्स और फैमिली की फेवरेट रेसिपी है और अब देखना यह है कि आप लोगों को भी ये रेसिपी इतनी ही पसंद आती है। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर आऊँगी किसी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।